नमस्कार दोस्तों तो CUET AM Economics एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर मैं टॉपिक लाई हूँ ठीक है आप लोग देख लीजिएगा तो पहला क्वेश्चन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड आपका क्या है ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई के तो यहां पर क्या होगा ठीक है तो अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई तो यहाँ पर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट क्या करेगा इंक्रीज करेगा पॉइंट याद रखिएगा जब आपका एग्रीगेट डिमांड यानी सी प्लस आई जब ज्यादा होता है तो क्या होता है आपके देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और आउटपुट बढ़ता है ठीक है अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगा तो जस्ट अपोजिट करिएगा डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आपका जो है एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट क्या करेगा डिक्रीज करता है तो एग्रीगेट डिमांड को सी प्लस आई से डिनोट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई को सी प्लस एस से डिनोट करते हैं ठीक है थीके. और अगर जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं किसने दिया था इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट आपके किन्स ने दिया था ठीक है इफेक्टिव डिमांड इसको कहते हैं जहां पर हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम होता है क्या किसका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलता है जहां पर कि आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं सी प्लस आई इक्वल्स टू सी प्लस एस

प्लस आपका नेट एक्सपोर्ट ठीक है ये आपके किसको डिनोट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड को डिनोट करता है काफी इम्पोर्टेंट है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इफेक्टिव डिमांड आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा जुड़े रहिएगा चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ धन्यवाद